क्रेडिट कार्ड ने हमारी लाइफ को काफी आसान कर दिया है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से बिना पैसे होते हुए भी हम अपनी मनपसंद चीज को खरीद सकते हैं, और जब हमारे पास पैसे आए तो हम उस पैसे को रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सच है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ ऐसा ही क्रेडिट कार्ड के साथ भी है। एक तरफ तो क्रेडिट कार्ड हमारी लाइफ को आसान बनाता है, तो वहीं दूसरी तरफ एक क्रेडिट कार्ड की एक अलग ही रियलिटी है। आज हम आपको इस वीडियो में क्रेडिट कार्ड के डार्क साइड से रूबरू कराने वाले हैं, साथ ही हम आपको बताएंगे कैसे क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको जाल में फंसा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि आखिर क्रेडिट कार्ड होता क्या है। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिससे आप किसी भी चीज़ को इंस्टेंटली परचेज कर सकते हो और उसकी पेमेंट को बाद में या फिर मंथ के एंड में कर सकते हो। किसी चीज़ को परचेज करने के लिए या फिर कोई ट्रांजेक्शन करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन कैश ट्रांजेक्शन का होता है, जिसमें हम बैंक से पैसा निकलवा कर सामने वाले इंसान को कैश में पेमेंट कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ को परचेज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास डेबिट कार्ड का होता है। डेबिट कार्ड से हम जब कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो पैसा सीधे हमारे बैंक अकाउंट से कट जाता है। लेकिन तीसरा ऑप्शन जो होता है, आज हम उसी की बात कर रहे हैं, वह होता है क्रेडिट कार्ड का। क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करते टाइम बैंक आपकी तरफ से पेमेंट करता है और आप फिर महीने के एंड में या फिर इससे पहले कभी भी बैंक को वो पैसा लौटा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक महीने के अंदर ही बैंक को पैसे लौटाने होंगे, आप एक महीने के बाद भी पैसा लौटा सकते हो, लेकिन इस पर आपको बैंक को बहुत हाई रेट इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड के हाई इंटरेस्ट से बचने के लिए आपको मंथ के एंड तक पैसे दे देनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रेडिट कार्ड तो बहुत अच्छी चीज़ है, इससे तो आप जितनी चाहो उतनी शॉपिंग कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड की अपनी एक लिमिट होती है और आप उससे ज्यादा के ट्रांजेक्शन क्रेडिट कार्ड से नहीं कर सकते हो, और बैंक हर इंसान को एक अलग क्रेडिट लिमिट देता है। क्रेडिट कार्ड देते समय बैंक चेक करता है कि आपकी जॉब कौन सी है और आपको कितनी सैलरी मिलती है। साथ ही बैंक ये भी चेक करता है कि आपका क्रेडिट स्कोर यानी कि आपके लोन को वापस देने की हिस्ट्री कैसी है। ये सब कुछ देखने के बाद ही बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इशू करता है। ये तो हुई क्रेडिट कार्ड की अच्छी बातें। इन सारी बातों को सुनकर आपको लग रहा होगा कि क्रेडिट कार्ड तो सच में बहुत अच्छी चीज़ है और इनकी क्या ही कोई डार्क साइड होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। एक्चुअली में जो चीज़ जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। भले ही क्रेडिट कार्ड ने डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ने में हमारी बहुत हेल्प की है, लेकिन साथ ही साथ इसने बहुत सारी प्रॉब्लम भी खड़ी कर दी है। आखिर क्रेडिट कार्ड की डार्क साइड क्या है, चलो हम आपको ब्रीफ में समझाते हैं। पहली बात तो बैंक अपने क्रेडिट कार्ड उन्हीं कस्टमर को देते हैं जिनके ऊपर उनको ट्रस्ट होता है, और उसके बाद जब कोई क्रेडिट कार्ड को ले लेता है तो बैंक उन्हें 45 से 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री लोन देता है ताकि कस्टमर शॉपिंग कर सके। पर सोचने वाली बात ये है कि आखिर बैंक इंटरेस्ट फ्री लोन देता क्यों है, और इसी में छुपा है क्रेडिट कार्ड के ट्रैप के पीछे सीक्रेट, जिसमें पहला है क्रेडिट कार्ड के हिडन चार्ज। क्रेडिट कार्ड कस्टमर को कहता है कि वह आपको फ्री लोन दे रहा है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी ऐसी फीस छुपी होती है जो बैंक आपको नहीं बताता है। सेकंड, क्रेडिट कार्ड की ये ट्रिक कस्टमर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, और वो है क्रेडिट कार्ड का साइकोलॉजिकल ट्रैप। ये तो आप जानते ही हो कि जब हम कैश में पेमेंट करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हमने पैसा खर्च कर दिया है, इसलिए हम देखकर खर्च करते हैं। लेकिन जब हम क्रेडिट कार्ड से परचेसिंग करते हैं तो हमें ऐसी फीलिंग नहीं आती जो कैश से आती है, और हम उन सारी चीज़ों को भी खरीद लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से हम क्रेडिट कार्ड के डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करने लगते हैं। बैंक का यह ट्रैप बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पैसा सेटल करने के लिए एक इंसान को 45 से 50 दिन का समय देता है, जिससे एक इंसान भले ही अपने पूरे महीने की सैलरी को उड़ा दे, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता रहता है कि वह दूसरे महीने की सैलरी को मिलाकर इन सारे बिल्स को क्लियर कर देगा, और उसे अपने फिजूल खर्चे का पछतावा तक नहीं होता, और इसी वजह से वह लगातार खर्च करता रहता है और बैंक के चुंगल में फंस जाता है। क्रेडिट कार्ड कस्टमर की साइकोलॉजी से खेलते हैं और ये अपने कस्टमर्स को एक बहुत खतरनाक इल्यूजन में फंसाते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर को लगता है कि उनके पास पैसे हैं, जबकि वह पैसा उनका नहीं होता, बल्कि वह पैसा तो लोन का होता है जो उन्हें चुकाना भी है, और अगर समय पर नहीं चुकाया तो इसके लिए उन्हें बहुत हाई इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ सकता है। वैसे कस्टमर्स को अपने जाल में फंसाने के लिए क्रेडिट कार्ड ने एक बहुत ही अलग तकनीक का इस्तेमाल भी किया है, जिसे क्रेडिट कार्ड की भाषा में रिवॉर्ड पॉइंट कहा जाता है। क्रेडिट कार्ड कंपनी कस्टमर को अपने ट्रैप में फंसाने के लिए रिवॉर्ड पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मछली पकड़ने के लिए मछलियों को दाना डाला जाता है, वैसे ही कस्टमर्स को अपनी जाल में फंसाने के लिए क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं।
क्रेडिट कार्ड अपने कस्टमर को रिवॉर्ड पॉइंट का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लेती है और फिर कस्टमर भी रिवॉर्ड के चक्कर में बिना जरूरत के सामान खरीदने लगता है और शायद उसे उसकी जरूरत भी नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि क्रेडिट कार्ड कस्टमर के दिमाग से इस कदर खेलते हैं कि कस्टमर को पता भी नहीं चल पाता है कि वह क्रेडिट कार्ड के चक्कर में ज्यादा खर्च करने लगे हैं और इस तरह से लोग क्रेडिट कार्ड के ट्रैप से कभी बाहर नहीं आ पाते हैं और डेब्ट ट्रैप में फंस के रह जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको क्रेडिट कार्ड के डार्क साइड के बारे में बताया। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमें ये भी बताइएगा कि आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव या हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला जाए। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।